खबर छतरपुर से है, जहां राजनगर में आशा उषा महिला संगठन ने राजनगर ब्लॉक में भुगतान न होने पर बीएमओ को ज्ञापन सौंपा है। राजनगर ब्लॉक की सैकड़ों आशा कार्यकर्ता एवं उषा कार्यकर्ता ने भुगतान न करने के आरोप भी लगाए हैं। राजनगर अस्पताल प्रबंधन का तानाशाही रवैया आशा कार्यकर्ताओं को अपने परिवार का भरण पोषण करने में परेशानी हो रही है। ज्ञापन में मुद्दा रखा गया है कि आशाओं का विगत 3 महीनों से भुगतान नहीं हो रहा है, तत्काल भुगतान करवाया जाए। कोविड राज का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसमें आशाओं में आक्रोश दिखा। कोविड राज का भुगतान तत्काल किया जाए। आशा कार्यकर्ता ने राजनगर अस्पताल में नारे भी लगाए। बीएमओ ऑफिस में जांच समिति के सामने मांगे पूरी करने का ज्ञापन सौंपा है। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम शीघ्र बड़ा आंदोलन करेंगे। समस्त आशाएं बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर होकर दर दर भटक रही हैं। आशा कार्यकर्ता को काम के बदले नहीं मिल रहा दाम। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद दिनांक की वरिष्ठता देनी होगी संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद आज का हमें कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग 6 सूत्री मांगों के लेकर क्रांतिया आह्वान पर, जो हमारी पुरानी पेंशन, गुरु जी की वरिष्ठता, अनुकंपा और क्रमोन्नत और अन्य मांगी, उनको लेकर हम लोगों ने बैठे हैं। 13 तारीख से अनवरत हमारे लोग अनिश्चितकालीन प्रदेश स्तर से चालू है। हम लोगों के साथ सरकार भोपाल में दमनकारी नीति अपनाई, लाठीचार्ज कराया, उसी तारतम्य अब कल से हम लोगों को सस्पेंड करना चालू किया। तो जो सस्पेंशन के आदेश हैं उनकी आज मैं निंदा करता हूं और आज उनके उन आदेशों की होली जलाएंगे। और कुछ जी, आगे क्या करना चाहिए? आगे की रणनीति है, यदि हम लोगों की सस्पेंशन होता तो सामूहिक रूप से हमारे सभी अध्यापक डीओ ऑफिस में जाकर अपने सस्पेंशन का माने डीओ ऑफिस मांग करेंगे कि हम सभी शिक्षकों को सस्पेंशन आदेश जारी करें। जितने भी हड़ताल में है, जो नहीं है, सभी साथी हमारे साथ हैं, एक साथ हैं। क्या नाम है? रमेश प्रताप सिंह, संभागीय अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ रीवा। बोले बोले बताएं क्या? आज गुरु जी संयुक्त मोर्चा का जो यह कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम सभी गुरु जी जितने भी जिला रीवा के इकट्ठा हुए हैं, इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 18 जनवरी 2021 को घोषणा किया था कि गुरुजियों को वरिष्ठता दी जाएगी, जिसका आदेश आज दिनांक तक 4 वर्ष बीत गए हैं प्रतीक्षा करते करते, उसका आदेश अभी तक नहीं हो पाया। इस स्मरण ज्ञापन रैली के माध्यम से हम लोग उनको यह इस बात का याद दिलाना चाहते हैं कि जो घोषणा आपने किया था पूर्व में, उसको पूरा करें, ताकि हम लोग आपके साथ में सहयोग आने वाले समय में